हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम लोग जानेंगे इंकजेट प्रिंटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। मींस पहले देखेंगे इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसका इंटरनल वर्किंग किस तरह से होता है, आखिर ये प्रिंट किस प्रकार से करता है टेक्स्ट एंड इमेजेस को हार्ड कॉपी पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में कुछ लाइन। तो इट इज वाइडली यूज बाय होम एंड बिजनेस कंप्यूटर यूजर्स दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग द इंक यूजिंग मैग्नेटिक प्लेट्स ऑन द पेपर। तो ये वाइडली यूज होता है होम और बिजनेस कंप्यूटर में, जो कि किस तरीके से स्प्रेइंग द इंक, इंक को स्प्रे करके कैरेक्टर को फॉर्म करता है। किस प्रकार से फॉर्म करता है आगे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। इट कंटेन्स अ पेपर फीड असेंबली, इंक कार्ट्रिज, प्रिंट हेड, स्टेबलाइजर बार एंड बेल्ट। ये सारे प्रिंटर में होते हैं, असेंबली होते हैं, इंक कार्ट्रिज होते हैं जिसमें चार होता है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक कलर, और स्टेबलाइजर बार और बेल्ट होते हैं। इट स्टोर्स द इंक इन कार्ट्रिज, इंक को ये कार्ट्रिज में स्टोर करता है। एंड यूजेस सेपरेट कार्ट्रिज टू प्रिंट सेवरल टाइप्स ऑफ कलर डॉक्यूमेंट्स, और अलग अलग कार्ट्रिज का यूज करता है अलग अलग कलर को प्रिंट करने के लिए। दीज कलर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ, और ये सारे कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, इन चार कलर्स के, इनके सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक कलर। तो इस तरह का कुछ आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, फिगर आपको नीचे दिया गया है। आगे है, दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैव द एबिलिटी टू क्रिएट हाई क्वालिटी पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ विविड कलर्स। जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो हाई क्वालिटी पिक्चर्स को क्रिएट कर सकता है, उसमें एबिलिटी होता है। फर्दर मोर द इंकजेट प्रिंटर्स आर मोर अफोर्डेबल एंड ईजियर टू यूज एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स। यस, इंकजेट प्रिंटर्स जो होता है वो मोर अफोर्डेबल होता है, अफोर्डेबल इकोनॉमिकली भी होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल भी। अगर आप प्राइस चेक करें तो इंकजेट प्रिंटर काफ़ी सस्ता होता है, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट मैट्रिक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू लेजर प्रिंटर, ओके, एंड ईजियर टू यूज एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स, और ईजी होता है इसे यूज करना। ए टिपिकल इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस कॉपी विथ अ रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच। डीपीआई में हम लोग रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 300 डीपीआई का रेजोल्यूशन का ये पिक्चर आपको प्रिंट करके देगा। सम इंकजेट प्रिंटर्स कैन मेक फुल कलर हार्ड कॉपीज एट 600 डीपीआई और मोर। कुछ इंकजेट प्रिंटर ऐसे हैं जो कि 600 डीपीआई और उससे अधिक डीपीआई रेजोल्यूशन का भी आपको प्रिंट दे सकते हैं। मेनी मॉडल्स इंक्लूड अदर डिवाइसेस सच एज स्कैनर, फोटोकॉपियर एंड डेडिकेटेड फैक्स मशीन अलॉन्ग विद द प्रिंटर इन अ सिंगल बॉक्स। यस, एक ही सिंगल बॉक्स में आजकल क्या हो रहा है, इंकजेट प्रिंटर तो वो सिर्फ प्रिंट नहीं करता है, वो क्या क्या करता है, स्कैन भी करता है डॉक्यूमेंट को, है ना, और फोटोकॉपीज भी निकालता है। तो हम लोग देखते हैं एक ही प्रिंटर है, प्रिंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, और किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी निकाल रहे हैं, और साथ में स्कैन करके डेटा हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम में भी भेज रहे हैं। तो प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं। आगे है, द कॉपी फ्रॉम एन इंकजेट प्रिंटर नीड्स अ लिटिल टाइम टू ड्राई। यस, क्योंकि वो क्या करता है, इंक का यूज करता है, लिक्विड इंक का यूज करता है, इसलिए जब वो प्रिंट करता है तो कुछ टाइम चाहिए उसके प्रिंटेड इमेज को, प्रिंटेड कैरेक्टर को ड्राई होने के लिए। Adequate drying time is especially important if the hard copy contains large regions of solid black or color. Yes, अगर large regions of color से means आपके paper में बहुत दूर तक colors है अगर, तो उसको सूखने के लिए कुछ ज़्यादा समय चाहिए, एक adequate drying time चाहिए। Inkjet printers also require non-porous paper. In bond papers containing cotton or other fibers, the ink may bleed along the fiber. इनके लिए एक अलग नॉन पोरस पेपर इन्हें चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड पेपर आता है उसमें क्या हो सकता है, कॉटन और अदर फाइबर्स में, कि आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन उसमें होल्स होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं, तो उन होल्स से क्या हो सकता है, आपका इंक बिखर सकता है, आपका कैरेक्टर, आपका इमेज जो प्रिंट हुआ है वो वेस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए इसे नॉन पोरस पेपर की जरूरत होती है। पेपर डिजाइंड स्पेशली फॉर इंकजेट प्रिंटर्स इज हैवियर देन द पेपर यूज्ड विद द लेजर प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर्स। देखिए, जो इंकजेट प्रिंटर्स के लिए पेपर को डिजाइन किया जाता है वो लेजर प्रिंटर से क्या होते हैं, हैवियर होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा कॉस्टली होते होंगे। हैज हायर ब्रिलियंस, इट्स वाइटर एंड इज समवट मोर एक्सपेंसिव। यस,
इंकजेट प्रिंटर में आगे क्या है? अनदर लिमिटेशन इज द फैक्ट दैट मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स आर स्लो एंड दे आर नॉट डिजाइंड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंट जॉब्स। यस, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? बहुत स्लो प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉपी जहां पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है वहां पे इसका यूज नहीं किया जाता है या कम के बराबर किया जाता है, लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज एक्सपेंसिव टू ऑपरेट ओवर टाइम विथ अ लेजर प्रिंटर। ये क्या हो जाते हैं, अगर आप इसे लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो ये लेजर प्रिंटर से भी ज्यादा महंगे आपको साबित हो जाते हैं। When it is necessary to make hundreds of copies per day or thousands of copies per week, an office quality laser printer is a better choice. अगर आपको एक दिन में 100 copy print करना है, आपको एक week में 1000 copy या उससे ज़्यादा print करना है, तो ये better choice है कि आप laser printer की ओर move करें, क्योंकि ये आपको फंसा देगा, फिर बहुत धीरे धीरे print करता है ये। आगे हम लोग देखते हैं working principle of inkjet printer। तो ये एक आपको इंकजेट प्रिंटर दिख रहा है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो छोटा सा वर्किंग प्रिंसिपल है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, जिस तरीके से हमने डॉट मैट्रिक्स वाला देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही तीन पूछा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, इंकजेट और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और लेजर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये तीनों आपको छोड़ना नहीं है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स ये क्या है, एक इंकजेट प्रिंटर का इंटरनल डायग्राम है। इसमें देखिए होता क्या है, ये देखिए आपको क्या है, बेल्ट है, यहाँ से पेपर फीड है, पेपर को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए इंक कार्ट्रिज होते हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए इंक कार्ट्रिज है, यहाँ पे दिख रहा है। इस इंक कार्ट्रिज में क्या होता है, इंक फिल्ड किए जाते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं, प्रिंट हेड से कनेक्टेड होते हैं। ये जो तीनों इंक कार्ट्रिज है ये प्रिंट हेड से कनेक्टेड होते हैं, और ये देखिए ये क्या है, ये तीनों इंक कार्ट्रिज एक देखिए ये चैम्बर में रखे हुए, और ये पेपर के अलोंग साइड, पेपर के विथ के अलोंग साइड ये मूव करते रहता है ना, ये देखिए ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ये मूव करते रहेगा, और ये प्रिंट हेड से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, अब जो प्रिंट हेड होता है ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट हेड से कनेक्टेड है, तो प्रिंट हेड के एकदम नीचे में एक छोटा सा नोजल टाइप का क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेयर से भी छोटा होता है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, आपका इंक क्या होता है, पेपर पे जाता है। किस तरीके से जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसी रजिस्टर के द्वारा, किसी भी रजिस्टर के माध्यम से ये जो आपका है जिसे हम लोग प्रिंटेड बोलते हैं, इसके चैम्बर को गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि इसके अंदर का जो इंक होता है वो बॉयल होता है और बबल का फॉर्म होता है, ठीक है। जब इसके अंदर बबल फॉर्म होता है तो क्या होता है, धीरे 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 अंदर के जो गैस होता है वो उस बबल पे प्रेशर डालता है, और जब प्रेशर डालेगा तो बबल क्या होगा, बबल फर्दर एक्सपैंड होगा और धीरे धीरे वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और जब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो वो बबल बाहर निकल जाएगा और छोटा सा डॉट बनाएगा पेपर पे, क्योंकि ये ह्यूमन हेयर से भी स्मॉल होता है, ये जो टीनी नोजल्स होते हैं ह्यूमन हेयर से भी स्मॉल होते हैं, तो ये एकदम छोटा सा डॉट बनाएंगे पेपर पे, और ऐसा ऐसा डॉट डॉट थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स मिलकर के एक कैरेक्टर का फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से कैरेक्टर्स और इमेजेज आपका प्रिंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वर्क करता है। तो ये तो हो गया आपका ओरल मौखिक की किस तरह से इंकजेट प्रिंटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये आपको दिमाग में रख के एग्जाम में जाना है। अब स्टेप किस तरह से लिखना है, ये है मेन पॉइंट, मेन मुद्दा, क्योंकि एग्जाम में आपको बोल के तो नहीं आना है, एग्जाम में आपको प्रॉपर पॉइंट लिख करके आना है। तो आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन इंक फिल्ड कार्ट्रिज attached to the inkjet print head moves sideways across the width opposite of paper. Yes, ये क्या है, ink filled cartridge है जिसे attach कर दिया गया है, और ये क्या करते हैं, paper के width के along side move करते हैं। Next point is the print head is made up of small ink filled chambers each attached to a nozzle smaller than a human hair. तो ये देखिए जो print head है, print head बना हुआ है small ink chamber का, ठीक है, जिससे क्या है, एक छोटा सा देखिए यहाँ पर सभी जगह क्या है, नोजल, टीनी नोजल एकदम छोटा सा,
इसके साथ है। आगे है, एन इलेक्ट्रिकल पल्स फ्लोज थ्रू अ हर्टिंग एलिमेंट दैट इज अ थिन रजिस्टर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंक चैम्बर। जो रजिस्टर लगा हुआ होता है उससे क्या किया जाता है, हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स को फ्लो किया जाता है। When an electrical current flows through the register heats a thin layer of ink at the bottom of the chamber to more than 900 degree Fahrenheit for a very very short duration. This makes the ink to boil and forms a small bubble of vapor. तो ये क्या करता है रजिस्टर, इसके बॉटम में 900 डिग्री फारेनहाइट से भी ज्यादा एकदम शॉर्ट टाइम में, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में इसे क्या कर देता है, हीट कर देता है, जिसके कारण ये बबल को फॉर्म करते हैं। आगे है, एज दिस वेपर बबल एक्सपैंड्स, जैसे ही ये वेपर जो बबल होता है ये एक्सपैंड करता है, बड़ा होता है, इट पुशेस इंक थ्रू द नोजल। ये क्या करता है, नोजल से इंक को पुश करता है ना। जब बबल धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा तो वो क्या करेगा, पुश करेगा अपने ऊपर के एलिमेंट को, फ्रॉम ड्रॉपलेट एट द टिप ऑफ द नोजल। When the bubble further expands, the ink droplet overcomes the surface tension and the pressure of the bubble forces the droplet onto the paper forming a small dot. जैसा हम लोगों ने देखा, ये बबल जैसे ही एक्सपेंड होगा तो वो क्या करेगा, इंक को पुश करेगा और इसी तरह इंक क्या होगा, उस नोजल से बाहर आएगा और पेपर पे प्रिंट होगा। तो ए टिपिकल कैरेक्टर इज फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ दीज टिनी डॉट्स। बहुत सारे नंबर ऑफ दिस टिनी डॉट्स का यूज करके एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। एज दिस रजिस्टर कूल्स द बबल कोलैप्सेस एंड द रिजल्टिंग सेक्शन पुल्स फ्रेश इंक फ्रॉम द अटैच्ड रिजर्वायर इनटू द इंक चैम्बर। तो जैसे ही ये रजिस्टर कूल होता है तो बबल क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है और दोबारा से जो इंक का स्पेस खाली हुआ था, जो इंक पेपर पे तो चला गया हालांकि छोटा सा पोर्शन गया लेकिन गया ना, तो उसके जगह फिर फ्रेश इंक वापस आ जाता है प्रिंट हेड में। तो ये था आपका इंकजेट प्रिंटर का पूरा कहानी, आप समझ गए इंकजेट प्रिंटर क्या होता है और इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार से वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल से। आपको समझ नहीं आए तो इस फिगर का मैं नोट्स देके आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हमेशा, तो इस फिगर का प्रिंट आउट आप निकलवाइए, मैं तो कहूंगा पूरा नोट्स का निकलवाइए और इस प्रिंटर को देखते रहिए। मैंने इस तरह का सारा आपको दिया, डॉट मैट्रिक्स का भी, इंकजेट का भी और लेजर का भी दिया जाएगा। इसको दीवार पे चिपकाइए और देखते रहिए, समझते रहिए किस तरह से आखिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है, आपको एग्जाम में लिख करके आना है। आगे इसके हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, द इंकजेट प्रिंटर्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। यस, दीज प्रिंटर्स आर इजी टू यूज, बहुत इजी है यूज करने के लिए। एडिशनली दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स डू नॉट टेक वार्म अप टाइम, ये वार्म अप टाइम नहीं लेते हैं, सीधा स्टार्ट कीजिए और प्रिंट करना स्टार्ट कर दीजिए। डिसएडवांटेज क्या है, इट मे टेक मोर टाइम टू प्रिंट, यस, क्योंकि इनका जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है वो स्लो है। जो प्रिंटर है वो ठीक ठाक है लेकिन प्रिंटर का जो प्रिंटर मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म पे वो प्रिंट करता है, वो पहले हीट करता है, फिर बबल एक्सपैंड होता है, फिर बबल जाता है पेपर पे, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये स्लो है। इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई, यस, इसका रनिंग कॉस्ट हाई है, क्यों, क्योंकि आपको क्या है ना, इंक आपको चेंज करना होगा जब भी इंक खत्म होगा तो, और इंक जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, ये लिक्विड इंक का इस्तेमाल करता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, ड्राई इंक टोनर पाउडर का इस्तेमाल होता है, हम लोग लेजर जस्टिस के बाद देखेंगे। Sometimes it can produce a wrong warning of an empty cartridge. ऐसा होता है प्रिंटर में कि आपका कार्ट्रिज फुल है, फिर भी क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है कि आपको एम्प्टी कार्ट्रिज का वार्निंग देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा इंकजेट प्रिंटर और उसके वर्किंग प्रिंसिपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।